भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरना पवन सिंह को भारी पड़ गया नमस्कार न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ खान पवन सिंह को लेकर जो सवाल बन रहे हैं कि काराकाट से क्या उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या पवन सिंह डर चुके हैं क्या पवन सिंह ने हार मान ली है इसके कई बड़े कारण निकलकर नजर आते हैं कई बड़े कारण निकलकर सामने आते हैं कि आखिरकार ऐसी चर्चाएं क्यों हो रही हैं पवन सिंह को लेकर और आखिरकार चर्चाओं में पवन सिंह का चुनाव ना लड़ना क्यों सुर्खिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है दरअसल आप किसी पार्टी के सदस्य हैं जैसे कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की बात करें तो यहां पर हाल फिलहाल की चर्चाओं में देखा जाए तो पप्पू यादव ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किया था और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए थे लेकिन पूर्णिया सीट के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए नजर आए थे जिसके बाद चर्चाएं तेज हो गई थी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी कहा था कि एक्शन लिया जाएगा कार्यवाही की जाएगी लेकिन कोई भी कार्यवाही होती हुई नजर नहीं आई ऐसे ही 2023 में पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया था लेकिन 2024 के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से चुनावी मैदान में उतारा उसी दौरान से पवन सिंह चर्चाओं में आ गए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्योंकि आसनसोल से चुनाव लड़ने से साफ इनकार पवन सिंह ने कर दिया इसके बाद आरा सीट की मांग करते हुए नजर आए आरा सीट भी नहीं मिली तो निर्दलीय चुनावी मैदान में काराकाट सीट से उतर गए राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए देखे जा रहे हैं लेकिन चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों की के तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पवन सिंह पर एक्शन लिया जाएगा इससे पहले भी कई ऐसे यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए चेहरे नजर आए हैं कई ऐसे नेता नजर आए हैं जिन्होंने पार्टी से बगावत कर दी थी और उन पर एक्शन लिया गया था इसी वजह से अब पवन सिंह की मां यहाँ पर चुनाव लड़ सकती हैं वो भी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह की मां ने 14 मई को नामांकन दाखिल निर्दलीय रूप निर्दलीय रूप से काराकाठ में कर दिया है यानी कि अगर पवन सिंह का टिकट कटता भी है पार्टी एक्शन लेती भी है तो उनकी मां से चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी तो ऐसे में पवन सिंह ने हार नहीं मानी है बल्कि मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आए हैं और ऐसे में पवन सिंह के इस कदम को लेकर आपका क्या कहना है क्या सही पवन सिंह ने कदम उठाया है क्या है आपकी राय सेक्शन में जरूर बताए देखते रहे धन्यवाद